कैनेडा इमीग्रेंट्स का देश है तो इतने इमीग्रेशन हमेशा ही एक वड्डा मुद्दा बनी रहती है। बेशक बहुत सारे लोगों वालों यह गलबात आखी जाती है कि कैनेडा दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर उस ढंग के नाल डिवेलप नहीं हो रहा जिस ढंग के नाल नवे लोग आ रहे हैं। इस करके कैनेडियन सरकार को अपनी इमीग्रेशन के उपर एक बार आरजी तौर पर पाबंदी लगा देनी चाहिए है। पर हुण एक नवी रिपोर्ट सामने आई है जिस दे विच यह गलबात आखी गई है कि 2040 तक इस ढंग के नाल इमीग्रेंट्स नू सदन का सिलसिला कैनेडा नू जारी रखना पएगा जेकर वह अपनी GDP अते इकोनमी की ग्रोथ चाहते हैं। जेकर अजिहा ना किया गया तो कैनेडियन आबादी के विच कामकाज करन वाले लोगों की गिणती घट सकती है। एक पास जिते कैनेडा दे विच कई लोग निखेधी कर रहे हैं कि इमीग्रेंट्स नू दिल खोल के कैनेडा सद्या जा रहा, पर उत्थे ही एक नवी रिपोर्ट सामने आई है जिस दे विच यह गलबात आखी गई है कि कैनेडा नू न्यू कमर्स की लोड़ है। जिस दे विच स्पष्ट रूप दे विच कहा गया कि जेकर कैनेडा दे विच लेबर मार्केट नू स्ट्रोंग रखना अते कामकाज चलते रखने ने तो उसके लिए जरूरी है कि कामकाज करन वाले वध तों वध लोग इत्थे आउण। सोमवार को जारी की गई नवी रिपोर्ट के अंदाजा लगाया गया है कि जेकर कैनेडा ने 15 से 64 साल की उम्र के कामकाज करन वाले लोगों नू लियाउणा स्लो किया तो इस आर्थिक प्रभाव पै सकते हैं। रिपोर्ट में आख्या गया कि वर्किंग एज आबादी की 2.2% के वाधे के नाल हर साल बढ़नी चाहिए है, जाने कि जेकर कैनेडा हर साल 2.2% के वाधे को 2040 तक जारी रखेगा तो ही वह अपनी आबादी को मेनटेन रख सकता है जिस दे नाल वर्कफोर्स की घाट नहीं पाएगी। इस तो अलावा जेकर 2015 तक 1990 तो लैके अंकड़ा में देखा जाए तो इस हिसाब के नाल 4.5% का आबादी वाधा कैनेडा के लिए जरूरी है, भाव कि 4.5% लोग हर साल कैनेडियन अर्थचारे दे विच काम करन दी एज वाले शामिल करने पैणगे। बेशक कैनेडा सरकार दे वल्लों 2025 तक हर साल 5 लाख लोगों नू इमीग्रेशन ते PR देण दी गलबात आखी जा रही है, पर इस तों अलावा 1 मिलियन लोगों का कैनेडियन अर्थचारे दे विच शामिल होना हर साल जरूरी है। बेशक इस समय आर्थिक मंदी के चलद बहुत सारे लोग ये गलबात कह रहे हैं कि उन्होंने नौकरियां नहीं मिल रही, पर इसके बावजूद कैनेडियन इंडस्ट्री अते GDP ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हर साल 2.2% लोग शामिल होण। बेशक कैनेडा की आबादी 40 मिलियन तो पार हो गई है, पर इस आबादी वाधे दे विच भी इमीग्रेंट्स का वड्डा हाथ है। पिछले 3 क्वार्टर दी गलबात करिए तो लास्ट क्वार्टर दे विच सब तो तेज़ी दे नाल आबादी वाधा होया, पर इस दे विच 80% योगदान इमीग्रेंट्स का रहा है, जिस तो स्पष्ट है कि कैनेडियन सरकार नू अपनियां इमीग्रेशन योजनावां नू इस ढंग दे नाल चालू रखना पएगा, फिर ही कैनेडा की GDP ग्रोथ भविख दे विच संभव है। बेशक बैंक ऑफ कैनेडा वल्लों महंगाई दर घट ना होण दे लई न्यू कमर्स अते इमीग्रेशन नू वड्डा कारण दस्या जा रहा है कि इस कारण जॉब मार्केट अते अर्थचारे ते दबाव पै रहा, पर दूजे पासे बैंक ऑफ कैनेडा दे वल्लों भी यही गलबात कही जा रही है कि कैनेडा नू इमीग्रेंट्स की जरूरत है तो इस नंबर नू नहीं घटाउणा चाहीदा। जेकर इस नंबर नू नहीं घटाया जाएगा तो ही कैनेडियन अर्थचारा भविख दे विच तरक्की कर सकता है, क्योंकि कैनेडा दे विच बजुर्गां अते बच्चों की गिणती ज़्यादा है, काम करन वाली वर्कफोर्स की घाट लगातार रड़क रही है जिस कारण बहुत सारिया वड्डिया छोटिया इंडस्ट्रीज़ दे विच लेबर की भारी मंग है। इसके चलदिया ही कैनेडा वालों वक् वक् प्रोग्रामा के तहत इमीग्रेंट्स नू कैनेडा दे विच सद्या जांदा है, जिस दे विच एक्सप्रैस एंट्री, स्टूडेंट परमिट, ओपन वर्क परमिट अते रिफ्यूजी भी शामिल ने, जिस तहत एक वड्डा नंबर कैनेडा दे विच आउंदा है जिस दे वल्लों कैनेडा दे विकास अते आर्थिक तरक्की दे लई सहयोग पाया जांदा है। साडा हर एक प्रोग्राम वेखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।